शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 140 केंद्रों पर 15,353 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 5,144 और दूसरी डोज लेने वालों में 10,209 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अभी भी प्रथम डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कम है। सीएमओ ने लोगों से कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं तथा समय से अपना दूसरा डोज अवश्य लगवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 140 जगहों पर वैक्सीनेशन चला है और आज 15,300 से ज्यादा डोज लगाई गई है। अभी तक हमने 31,22,000 से ज्यादा टोटल डोज लगाया दिया है, वैक्सीनेशन किया है। उसमें से 23,13,000 से ज्यादा फर्स्ट डोज और 8,19,000 से ज्यादा सेकेंड डोज दिया हुआ है। हमारे जनपद में 36,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन देना है। अभी तक हमने 23,13,000 लोगों को पर एक डोज लगा चुके हैं। इस तरह से अभी हमारे पास 10,00,000 से ज़्यादा लोगों को अभी वैक्सीनेशन करना है। हमें जनता से अपील है कि वो हमारे बूथ पर आए, हमारे सेंटर पर आए और अपना वैक्सीनेशन कराएं। जो वैक्सीनेशन फ्री है हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन चल रहा है। गांव-गांव में हमारी वैन भी चल रही है जो टीकाकरण कर रही है। अगर आप गांव में हैं और आने में सक्षम महसूस कर रहे हैं, आने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो हमारी वैन आपके गांव में जा रही है और आप अपने आशा या ग्राम प्रधान जी से संपर्क करें किस दिन आपके गाँव में वैन जाएगी और आप अपने घर पर ही वैक्सीनेशन कराएं। और इस तरह से हम सब लोग मिलकर के अपने पूरे जिले को कोरोना से मुक्त कर दें।